everyone. How are you? I hope all of you students are fine. Student, आज हम standard 3 subject looking around chapter number 7 saying without speaking यानी बिना बोले हम अपनी बात सामने वाले को कैसे समझाए वो हम इस chapter में समझेंगे. तो चलो हम अपने चैप्टर पे चलते हैं. शेइंग विदाउट स्पीकिंग यानी बिना बोले सामने वाले को अपनी बात समझाना. फर्स्ट है दम चेयरर्स. ये एक गेम का नेम है दम चेयरर्स. वो हमें गेम खेलनी है. चलो हम वो गेम स्टार्ट करते हैं. दम चेयरर्स गेम का नाम है. चलो गेम स्टार्ट करते हैं. लेट्स अस प्ले ए गेम. इन दिस गेम एवरीवन हैज टू लेट अदर नो वन व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. डिवाइड योर सॉल्वर इनटू ग्रुप इन ए 7 यानी स्मॉल ग्रुप. आपको ये गेम खेलनी है. इस गेम में आपको बिना बोले अपनी बात सामने वाले को समझानी है. याद रहे आपको बोलना नहीं है, सिर्फ एक्शन के थ्रू ही आपको सामने वाले को अपनी बात समझानी है. और आपको अपने जो चिल्ड्रंस जो खेलने वाले सब बच्चे हैं वो सब बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लेना है. छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लेना है और बिना बोले आपको सारी बातें सामने वाले ग्रुप को समझानी है. आगे देखते हैं. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप ए पीसेस ऑफ पेपर विथ ए सिचुएशन राइट ऑन इट. और आपके टीचर ने जिस ग्रुप को पीसेस यानी टुकड़े पेपर के टुकड़े में सिचुएशन लिखी है कि आपको क्या करना है, कि आपको क्या करना है वो आपके टीचर ने एक पेपर के टुकड़े पे लिखा है. ओके आगे देखते हैं. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट ए रिटर्न ऑफ द पेपर एंड प्रिपेयर ए साइलेंट एक्ट. और एक पेपर का टुकड़ा किसी एक स्टूडेंट को लेना है और उसमें क्या लिखा है वो आपको पढ़ना है और सामने वाले को साइलेंट में बताना है. साइलेंट यानी शांति से बिना आवाज़ किए. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. पर याद रहे आपको बोलना नहीं है. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू एक्सप्रेशन थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन. आपको अपने फेस और बॉडी यानी हमारे शरीर के भागों से हैंड से लेग से एक्शन करके और अपने फेस पे एक्शन करके सामने वाले को बताना है और समझाना है. याद रहे बोलना नहीं है, सिर्फ एक्शन के थ्रू ही बताना है. आगे चलते हैं. When all the group are ready with their act. सभी तैयार है गेम खेलने के लिए? Yes, सभी बच्चे तैयार है. They have to perform on one by one in front of the other groups. आपको एक के बाद एक ग्रुप को ग्रुप में से किसी एक को आना है और सामने वाले ग्रुप को ये बात समझानी है. द अदर विल हैव टू गेस व्हाट द बिगिन एक्ट आउट. गेस यानी अनुमान करना. वो सामने वाला बच्चा है वो अपनी एक्शन के थ्रू क्या बोलना चाहता है वो आपको अनुमान करना है. आगे देखते हैं. थिंक एंड टेल. हाउ डू यू लाइक दिस गेम. क्या आपको ये गेम अच्छी लगी? यस या नो? यस वेरी गुड. सबको ये गेम अच्छी लगी. आगे
डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? डिफिकल्ट यानी कठिन, क्या आपको ये एक्शन करना मुश्किल लगता है? किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, तो आपको जो भी है वो यस या नो में आंसर देना है। लुक एट द पिक्चर, गिव ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टेकिंग टू ईच अदर थ्रूइंग एक्शन। आपको आगे के पेज पे जो पिक्चर दिया है वो देखना है, उसमें दो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं एक्शन के थ्रू। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? क्या आपने किसी को देखा है अपने एक्शन करके, अपने हाथ पग या फेस से हमें कुछ समझा रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, आपने ऐसा किसी को देखा है? आपने देखा है तो यस या नो में आंसर देना है। और जो लोग होते हैं जो बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उसको डम्प कहते हैं, DUMP, डम्प लोग। वो सुन भी नहीं सकते और बात भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। When do you people need to take like this? क्या आपको भी ऐसे लोगों को ऐसे बात करना ज़रूरी लगता है? आगे देखते हैं, ये पिक्चर देखो, इसमें दो स्टूडेंट यानी दो चिल्ड्रन से वो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। वो आपको पता करना है कि वो क्या बात कर रहे हैं, आपको गेस करना है। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। हियर यानी सुनना और स्पीक यानी बोलना। बट देर आर सम पीपल वेन कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक। और कुछ लोग होते हैं जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। दस पीपल टेक थ्रू एक्शन, वो अपनी एक्शन के द्वारा समझाते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट। अंडरस्टैंड यानी समझाना, वो सामने वाले को कैसे समझते हैं। सामने वाले पीपल बोलते हैं तो जो लोग सुन नहीं सकते उसे वो क्या बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देगा, तो वो लोग सामने वाले क्या बोल रहे हैं उसके लिप्स के मूवमेंट से पता कर लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। All of us can not do everything। और किसी ऐसे लोग होते हैं वो समझ नहीं सकते। Some of you shine well, other writing good, poetry, some can climb tree quickly, while other can run fast। ऐसे लोग होते हैं कुछ ऐसी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, पोएट्री यानी कविता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लाइंब यानी चढ़ना, वो ट्री पे स्पीड से चढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो रन फास्ट, फास्ट दौड़ते हैं। जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत अच्छा लिख सकता है, स्पीड में ट्री पे चढ़ सकता है, फास्ट रन कर सकता है, कोई अच्छा ड्राइंग बना सकता है, किसी के राइटिंग बहुत अच्छे होते हैं, किसी के डांस करना अच्छा लगता है, गेम खेलना। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी उसके अलावा भी उसके उसमें बहुत कुछ एक खास वजह होती है। Can some can grow well, other can sing shine and tune। कुछ लोग होते हैं जो draw अच्छा करते हैं,
और अच्छा सा सुर भी निकालते हैं। वी आर नॉट ऑल स्पेशल इन अवर वन वे। सभी लोग किसी एक चीज में माहिर होते हैं। हेंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। हेंस यानी तेथी। इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। इसलिए वो स्कूल जाते हैं एक दूसरे से सीखने के लिए। हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने मिलता है। लाइक ऑल चिल्ड्रन वी कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। जो लोग सुन नहीं सकते वो लोग भी स्कूल जाते हैं लिखने के लिए और समझने के लिए। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू थीम। यानी साइन लैंग्वेज यानी इशारे से बात करना, बिना बोले कैसे सामने वाले को अपनी बात समझाना। जो नहीं बोल सकते सुन नहीं सकते ऐसे लोग होते हैं वो भी स्कूल जाते हैं। आपने कभी ऐसा स्कूल देखा है? आपकी टीवी में डीडी न्यूज़ चैनल आती है ना, वहाँ पे ऐसे बच्चों को सब सिखाया जाता है कि सामने वाले को अपनी बात कैसे समझाना। तो अपनी टीवी में डीडी न्यूज़ पे ये आता है, तो आप देख लेना वहाँ पे, जिसने नहीं देखा है वो। आगे लेट अस रीड अबाउट ए चाइल्ड वी कैन नॉट हियर एट वो कैन डू मैनी थिंग्स। ऐसे बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं जो सुन नहीं सकते पर उसको बहुत कुछ आता हो, बहुत कुछ आता हो। तो चलो आगे, एक पोयम है यहाँ पे, उसमें एक लड़की की बात की है। एक लड़की है उसका नाम है चकू। वो जन्म से ही बहरी है यानी डीफ, बहरी है। वो सुन नहीं सकती फिर भी उसको बहुत कुछ करना आता है, जैसे पियानो बजाना, गबड़ना, चढ़ना, मंकी की तरह एक से दूसरी जगह पे जंप करना, ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं। वो बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती फिर भी करती है। तो चलो हम देखते हैं। स्मॉल गर्ल चकू सी कैन नॉट हियर सी इज डीफ बाय बर्थ। एक छोटी सी चकू थी वो बहरी थी, सुन नहीं सकती थी जन्म से। ही एल्डर ब्रदर इज नंदू। और उसका बड़ा भाई एक नंदू था। नंदू एंड चकू प्ले टुगेदर। वो दोनों साथ में खेलते थे। चकू प्लेज द पियानो वेरी वेल। वो बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। सी लाइक टू फील द डीप रमिंग चेरस। चेरस यानी तार वाला, जो पियानो आता है ना तार वाला, वो बहुत अच्छे से चकू बजा लेती थी। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग। पर वो गा नहीं पाती थी, बजा लेती थी, वो जन्म से बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, इसलिए वो गा नहीं सकती थी पर पियानो बजा लेती थी। सी कैन नॉट हियर ट्यून। पर वो जो बजाती थी ट्यून यानी धुन, पियानो में से जो धुन निकलती है वो सुन नहीं सकती थी। सी लाइक टू टेप ए टम्बेल टू रोल टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ मंकी बार्स। वो छलांग लगाना, गबड़ना, रोल करना, चढ़ना और मंकी की तरह एक जगह से दूसरी जगह जंप करना उसे बहुत अच्छा लगता था। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्ट गोइंग टू माई स्कूल ऑल थ्रोट। अब उसके जो उसका बड़ा भाई है नंदू, उसके साथ ये उसकी छोटी सिस्टर स्कूल जाने लगी थी।
आगे देखते हैं सामने, अवर मदर शीड हेल्प हियर लिप रीड एट होम। उसकी मदर घर पे उसे सामने वाले जो बात बोलते हैं उसके लिप से कैसे उस बात को समझना वो उसको सिखाने में मदद करती थी। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी शे लाइक सिस्टर और वाटर टू थम। स्कूल पे जो टीचर और चिल्ड्रंस थे वो उसकी बात समझ नहीं पाते थे, वो क्या बोल रही है वो नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो जब उसको पानी पीना हो तो अपना थम ऊंचा करके वो बताती थी। आई वॉन्ट माई सन ग्लासेस यस्टरडे, मैंने अगले दिन सन ग्लासेस पहने थे। देयर फ्रेम्स वेरी लार्ज, उसकी फ्रेम थी वो बहुत मोटी थी, लार्ज यानी बड़ा होना। द लेंस इज वेरी ब्लैक, और उसके जो लेंस थे वो बहुत ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक थीम ऑफ वेन आई स्पोक, उसकी सिस्टर ने वो सन ग्लासेस उतार दिए, स्पोक यानी उतारना। और वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हियर ब्राउन आइज, और उसकी ब्राउन आइज और उसकी बहन की ब्राउन आइज एक दूसरे से कुछ कह रही थी। तो यहाँ पे ये पोयम ओवर होती है। इस पोयम में एक छोटी सी चक्कू थी, वो जन्म से बहरी थी, वो उसको पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता था पर उसकी धुन वो कभी सुन नहीं पाई। उसको छलांग लगाना, गबड़ना, चढ़ना, मंकी की तरह एक जगह से दूसरी जगह जंप करना बहुत अच्छा लगता था। अब वो स्कूल जाने लगी थी पर वहाँ पे उसके टीचर और चिल्ड्रन उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उसकी मम्मा उसे घर पे भी सिखाती थी कि सामने वाले कैसे बात कर रहे हैं वो उसके लिप से समझना। एक दिन उसके भाई ने सन ग्लासेस पहने थे, वो बहुत बड़े थे और उसके लेंस भी बहुत ब्लैक थे, तो चकू ने उसके सन ग्लासेस उतार दिए और उसकी ब्राउन आइज और उसके ब्रदर की ब्राउन आइज एक दूसरे को कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी वो हमें यहाँ पे नहीं दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये पोयम ओवर होती है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये चकू है और ये नंदू है। इस चकू ने इसके सन ग्लासेस उतार दिए है और वो अपने भाई से कुछ कह रहे हैं, उसकी दोनों की आंख देखो एक दूसरे से कुछ कह रही है। आगे अवर आईज टेल ए लॉट, स्मॉल चिल्ड्रन टेल ए लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स एवर बिफोर दे लर्न टू स्पीक। आपने ऐसे कहीं चेहरे को देखा होगा स्मॉल बच्चे को, यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना जन्म से जन्मे हुए होते हैं, वो अपने हाथ पग हिला के या अपने चेहरे के हाव भाव से हमें बहुत कुछ बता देते हैं कि उसे क्या चाहिए। दे अंडरस्टैंड ए लॉट टू, वो हमें बहुत कुछ समझा देते हैं। छोटे से बच्चे होते हैं जो अभी जन्मे ही है, वो वाले बच्चे बहुत कुछ अपने हाथ पग हिला के समझा देते हैं। द फेस इज मिरर, आपको फेस पे देखना है। ये फेस देखो, ये लड़का है, वो कैसा है, हैप्पी है सैड है आपको बता करना है। ये लड़का हैप्पी है और ये लड़का सैड है ना, उसके फेस से हमें पता चलता है कि ये हैप्पी है और ये सैड है। आगे देखते हैं, ऑब्जर्व चिल्ड्रंस टू अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। आपको ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करना है अपने आसपास के बच्चों, छोटे छोटे जो 8 to 6 साल तक के बच्चे होते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि वो अपनी बात सामने वाले को कैसे समझाते हैं। कि छोटे बच्चे होते हैं वो तो बोल नहीं पाते है ना, उसको बोलना नहीं आता,
फिर भी वो अपनी एक्शन के थ्रू सामने वाले को अपनी बात कैसे समझाते हैं वो आपको देखना है। आगे देखते हैं, यू मस्ट बी वंडरिंग वी काइंड ऑफ फेस आर दे हैव टू आई नो नोज नो माउथ यू हैव टू मेक दस बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज राइटिंग ऑल साइड। आपको नीचे जो पिक्चर दिया है उसमें आइज भी नहीं है, नोज भी नहीं है और उसका मुंह भी नहीं है, तो सामने वाले पैराग्राफ में आपको पढ़ना है, रीड करना है और उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा वो आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फील्ड ब्राउन एंड ब्रोकन ही इज सेड हाउ विल दिस लुक। ये आफ्ताब है, उसका फेवरेट टॉय उससे टूट गया है तो उसका फेस शेड हो गया। जब आपका भी कोई खिलौना टूट जाता है तो आप भी शेड हो जाते हो, तो उसका फेस कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसका फेस शेड दिखेगा यानी उदास, तो हमें उसका फेस ऐसे ड्रॉ करना है, उदास चेहरा ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। आगे का देखते हैं, दिस इज जूली, हियर लिटल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। ये जूली है, अगले दिन उसकी छोटी सिस्टर का जन्म हुआ। शी इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत उत्साही है। हाउ विल फेस लुक, उसका फेस कैसा दिखेगा, हैप्पी हैप्पी दिखेगा ना, तो आपको यहाँ पे हैप्पी चेहरा यानी खुश वाला चेहरा ड्रॉ करना है। इससे पहले आई ड्रॉ कर लेना, उसके बाद उसके आईब्रो ऐसे हैप्पी हैप्पी चेहरा। आगे, दिस इज रुत्वास मदर, टुडे विल या रुत्वा वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फील फ्रॉम हियर हैंड एंड ब्रोकन, ड्रॉ द लुक ऑन हियर मदर्स फेस। ये रुत्वा है, रुत्वा की मम्मी है, और जब रुत्वा पिकल यानी अथाना की बोतल रह रही थी तो उसके हाथ में से वो बोतल गिर के टूट गई, तो उसकी मम्मी का फेस कैसा होगा, गुस्से वाला, वो रुत्वा पे बहुत गुस्सा कर रही होगी, तो हमें यहाँ पे एंग्री वाला फेस बनाना है। पहले उसकी आई फिर उसके आईब्रो उसका नोज, और वो बहुत चिल्ला रही है ऐसे हमें उसके मुंह में से आवाज आ रही हो ऐसा हमें यहाँ पे करना है। तो ये बनाया हमने गुस्से वाला एंग्री वाला फेस। आगे देखते हैं, सी इज दिस इज रेहाना, सी इज अफेड ऑफ डॉग। ये रेहाना थी, वो डॉग से बहुत डरती थी, अफेड यानी डरना। विल प्लेइंग सडनली ए डॉग कम इज फ्रंट ऑफ हियर, हाउ विल रेहाना फेस लुक। रेहाना थी, वो डॉग से बहुत डरती थी और जब वो खेल रही थी तो अचानक उसके सामने डॉग आ गया तो उसका चेहरा कैसा लगेगा आपको, यस डरा हुआ, तो आपको इसका चेहरा डरा हुआ बनाना है। उसकी आई फिर उसका नोज फिर उसका मुंह उसके आईब्रो, डरा हुआ चेहरा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मुंह खुला का खुला ही रह जाता है जब आप डर जाते हो तो रेहाना का भी ऐसा ही हुआ था कुछ। आगे देखते हैं, By looking at some face, we can tell if the person is happy, sad and angry. हम किसी का फेस देख के भी बता कर सकते हैं कि वो हैप्पी है, सैड है या एंग्री है,
खुश है, उदास है या गुस्से वाला है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या आपने कभी किसी चीज़ का नुकसान mischief यानी नुकसान कर रहा हो और आपकी मम्मी को नहीं बता है? आपने आपकी मम्मी को नहीं बताया, फिर भी आपकी मदर अपना आपका फेस देख के बता कर लेती है कि इसने कुछ काम किया है? यस, ऐसा सभी के साथ एक बार तो हुआ ही होगा। आपकी पास जो चीज़ है वो गलती से टूट गई और आपके मम्मी को आपने नहीं बताया, और आपकी मम्मी को आपका फेस देख के ही पता चल जाता है कि हाँ, इसने कुछ किया है। वी कैन टेक थ्रू डांस एज वेल, हम डांस के थ्रू भी सामने वाले को बता सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग, हम डांस के थ्रू अपने हैंड यानी हाथ और फेस से बता सकते हैं कि उसके मन में बता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। There are called mudras and bhavs, उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा एंड भावस, हम कहते हैं ना उसके आज कुछ हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे, उसके मन में कुछ चल रहा है, ऐसे मुद्रा एंड भावस उसको बोलते हैं, मुद्रा एंड भावस। Look at and do this mudras, आपको नीचे कुछ मुद्रा दी है वो देखना है। लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड थेम, और आपको कहीं और मुद्रा का और मुद्रा भी देखनी हो और समझनी है तो चलो हम पहले ये समझते हैं। उसमें फर्स्ट वाली है वो फ्लावर बर्ड है, वो है फ्लावर बर्ड यानी जो फ्लावर जब खिलता है तो उसका छोटा सा पहले बेबी होता है, छोटा सा बेबी होता है वो ऐसे ही होता है, जो बेबी होता है फ्लावर का पहले खिलने वाला होता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है तो वो ऐसे ही कर्मा या हुआ होता है। उसके बाद फर्स्ट पिक्चर में हमने वो देखा, सेकंड पिक्चर में हमने फ्लावर खिल गया है, ये फ्लावर है वो खिल गया है तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसे ही। आगे थर्ड वाले पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्नेक की तरह, स्नेक जैसे चलता है तो ऐसा लगता है तो ये है स्नेक। और ये फोर्थ वाला है फिश का, जब आप छोटे थे तो एक सॉन्ग गा रहे थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, तो इसमें ऐसी आप एक्शन करते थे अपने हैंड से, तो ये है फिश। तो अब हम कहीं और मुद्राएं देखेंगे, आओ चलो हम देखते हैं। ये मुद्रा है शिवालिंग, एक हथेली को ऐसे सीधी टाइट रखना और उसके बाद थंब दूसरे हैंड से थंब को अप करना, ये है शिवालिंग की मुद्रा। ये है कपोटा, दोनों हाथ को जोड़ना है और थोड़े से उसको बाहर निकालने हैं, इस मुद्रा को बोलते हैं कपोटा। ये मुद्रा है अंजलि, इस मुद्रा जब हम गॉड के सामने कुछ प्रे करते हैं तो हम ऐसी वाली मुद्रा में होते हैं तो इस मुद्रा को बोलते हैं अंजलि। ये है ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जब हम योगा करते हैं तो हम इस मुद्रा में बैठते हैं है ना, तो ये बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो हम अक्सर हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड गेज, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस,
आपको जो यहाँ पे पिक्चर दी है ना, उसमें से स्टोरी बनानी है, गेस करना है कि ये स्टोरी क्या बन सकती है, और आपको अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस करना है। चलो हम स्टोरी बनाते हैं। एक स्क्विरल है, वो बहुत हैप्पी है, खुश है और नाच रही है। वो एक पेड़ पे रह रही है। फर्स्ट पिक्चर में से देख के हम ये बता कर सकते हैं। सेकंड वाले पिक्चर में वो खाना बना रही है। उसको एक दिन खाना बनाने की इच्छा हुई तो वो खाना बना रही है। तीसरे पिक्चर में से हम ऐसे बता कर सकते हैं कि वो खाना तो बना रही थी, उसने सोचा कि चलो मैं अपने फ्रेंड को भी अपने खाने पे इनवाइट करती हूँ, तो वो अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए जा रही है। फोर्थ वाले पिक्चर में सभी फ्रेंड आके खाना खाते हैं। मेना, रेड, क्रो एंड एंट, सभी लोग उसके फ्रेंड आए हैं, वो खाना खा रहे हैं। तो इस स्टोरी में एक स्क्विरल थी, वो बहुत खुश थी, हैप्पी थी और एक नाच रही थी, और वो एक पेड़ पे रह रही थी। उसको एक दिन खाना बनाने की इच्छा हुई तो वो खाना बना रही थी। उसको ऐसा लगा कि चलो मैं खाना बना रही हूँ तो मैं अपने फ्रेंड को खाने पे इनवाइट कर दूँ, तो वो अपने फ्रेंड को खाने पे इनवाइट करने चाहती है, और उसके फ्रेंड खाने के लिए आते भी है, और वो बहुत अच्छे से खाना भी खाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं कि हमने स्क्विरल ने खाने पे बुलाया। तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ समझा कि बिना बोले अपनी बात सामने वाले को कैसे समझाए, और बहुत ऐसी सारी मुद्राएं भी देखी हैंड की। ऐसी स्कूल भी होती है जहाँ जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसको वहाँ ट्रेन किया जाता है। वो अपनी बात सामने वाले को कैसे बताए और सामने वाले की बात वो कैसे समझे, ऐसी स्कूल होती है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।